वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और DRDO ने किस मिशन हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये मिशन है गगनयान। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस राज्य में AI लैब ओपन करने की बात की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है बी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में हाल ही में किस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये बैन लगाया है ई सिगरेट पर। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी कंपनी 5.5 Mbps के साथ अपलोड स्पीड के मामले में पहले स्थान पर रही है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, वोडाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सारा हिल्डरब्रांड को हराकर किस भारतीय महिला रेसलर ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के 53 किलोग्राम वर्ग में जगह बना ली है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट की बैठक में रेलवे के 1,52,000 कर्मचारियों को कितने दिनों का बोनस देने की घोषणा की गई है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये इसका आंसर है 78 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां ACI मंत्री स्तर ऊर्जा गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित हुआ। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, राजेंद्र बी अकलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
टाइम अप। इसका आंसर है बी, काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, कपड़ा उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, नाखून और कार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, आयरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, कलकत्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, संपत्ति रखने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, संसद। ये थी आज की क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। अब कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।